नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष बंसल। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल मिस्टर ग्रोथ में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपना बैकग्राउंड चेंज करते हैं या फिर ग्रीन स्क्रीन क्या होता है, हॉलीवुड मूवीज में स्पेशल इफेक्ट्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, या फिर काफी इसमें अलग सी चीजें आपको सीखने की मिलेंगी इस वीडियो में, यही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, फिलहाल मेरी बैक स्क्रीन पर शायद आप कुछ डिजाइन वगैरह या कुछ कलरिंग देख पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहां पर मैं खड़ा हूं ग्रीन स्क्रीन के आगे, जिस तरह से किसी भी हॉलीवुड मूवी वगैरह में कुछ भी यूज किया जाता है। मेरे पास काफी सिंपल सेटअप है, जैसे कि हॉलीवुड मूवीज वगैरह या बॉलीवुड मूवीज में स्पेशल इफेक्ट यूज किए जाते हैं, तो उसमें काफी स्पेशल चीजें अलग अलग तरह की यूज की जाती हैं, प्रॉपर लाइटिंग इफेक्ट, ताकि इफेक्ट अच्छी तरह से आपको मिल पाए। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं आपको जो बैकग्राउंड पर हमारे कलर्ड स्क्रीन है इसको रिमूव करके आपको दिखाता हूं कि फिलहाल मैं कैसे ग्रीन स्क्रीन के आगे खड़ा हूं। देखा आपने फ्रेंड्स, ओरिजिनल स्क्रीन है ये, और जो आप पहले देख पा रहे थे तो वो होता क्या है कि कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल में भी कुछ लोग एडिटिंग करते हैं, उसकी हेल्प से जो बैकग्राउंड स्क्रीन होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है और उसकी जगह पर आप कोई भी और वीडियो लगा सकते हो या फिर कोई भी पिक्चर वगैरह यूज करके अपने बैकग्राउंड को काफी ज्यादा अच्छा बना सकते हो। खैर, हम दोबारा से एक बार बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है, यानी कि जो ग्रीन स्क्रीन थी उसको मैंने कलर्ड स्क्रीन में बदल दिया है, और मैं प्रॉपर आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी कि किस तरह से आप सॉफ्टवेयर में एडिटिंग करके ग्रीन स्क्रीन को यूज करके किसी भी पिक्चर को या फिर किसी भी वीडियो को लगा सकते हो। फ्रेंड्स, ये ग्रीन स्क्रीन है बड़ी फायदेमंद चीज, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अमेज़न पर ये आपको सिर्फ 370 रुपीज में मिल जाती है, और इसको ऑनलाइन परचेज करने का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट यूज करने के लिए आपके पास सबसे पहले रिकॉर्डिंग फाइल होनी चाहिए, यानी कि जो आप ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। एक बैकग्राउंड पर लगाने के लिए कोई पिक्चर या फिर वीडियो आपके पास होनी चाहिए ताकि आप इसको यूज कर पाएं, और आप जो भी कोई पेड सॉफ्टवेयर या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए फ्री सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसमें ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन आपको कहां पर मिलता है ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो पैड नाम के एक पेड सॉफ्टवेयर का इसके लिए यूज करता हूं। तो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो फाइल दिखा देता हूँ जो मैंने ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड की है। मैंने देखिए इसको ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड किया है, और जो दो इसमें मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है एडिटिंग के लिए वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली वीडियो है ये, जिसमें कि मैंने इस तरह का एक्शन किया है, और जो सेकेंड वीडियो है उसमें मैंने इस तरह का ऑप्शन किया है। इस सारी वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद ये जो फाइल है इसको मैंने लैपटॉप में सेव कर लिया है, और अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। जैसे कि मैं वीडियो पैड का यूज करता हूं, तो मैंने अभी सॉफ्टवेयर में इस फाइल को ओपन कर लिया है। जैसे ही फ्रेंड्स, जो आपने वीडियो रिकॉर्ड किया होगा वो फाइल सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, आपको बैकग्राउंड पर कोई वीडियो या पिक्चर जो भी आपने चूज की है लगाने के लिए वो आपको लगाना होगा, क्योंकि जैसे आप ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देंगे तो लास्ट में सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा, तो यानी कि हमें वो पहले फिट करना होता है ताकि हमारी वीडियो प्रॉपर ढंग से बन पाए। तो फ्रेंड्स, जो फाइल मैंने सेव की हुई है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये एक फाइल है जो कि मैं बैकग्राउंड पर लगाना चाहता हूँ, तो इसको मैं प्लेस पर क्लिक करके यहाँ बैकग्राउंड पर एक बार फिट कर दूंगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर वाइट दिखाई दे तो यानी कि इस जो पिक्चर या वीडियो आपने सिलेक्ट की है इसका साइज जो है वो कम है एक्चुअल जितना साइज होना चाहिए। तो हम जाएंगे इफेक्ट्स में, एड इफेक्ट्स में, इसके बाद स्केल पर, तो यहाँ पर मैं इसका जो साइज है वो थोड़ा स्केल कर दूंगा, जो इसकी विड्थ है वो बढ़ा दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अब इसका जो साइज है वो एक्चुअल फिट हो चुका है। अब इसको हम कर देंगे अप्लाई। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको दोबारा से जाना होगा वीडियो फाइल। वीडियो फाइल में जाने के बाद आपको जो पहला आपने इफेक्ट रिकॉर्ड किया होगा तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा, अगर आप दो वीडियो को जोड़ना चाहते हो आपस में। यहाँ से फ्रेंड्स मैं इसको कट कर रहा हूँ वीडियो को। कट करने के बाद अब इसको मैं देखते हैं हमने कितनी फाइल लेनी है। ये यहाँ पर फ्रेंड्स हो गई ये सिलेक्ट। अब हम इसको कर देंगे एंड, और यहाँ पर प्लेस में हम जो डाउन एरो का निशान है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओवरले ऑन सिक्वेंस इस पर क्लिक करेंगे, तो जो भी आपने वीडियो फाइल या पिक्चर पहले सिलेक्ट की होगी बैकग्राउंड के लिए ये वीडियो फाइल उसके ऊपर आ जाएगा। अब हम इसमें जाएंगे इफेक्ट में, यहाँ पर हमें फिर जाना है एड इफेक्ट में, फिर ग्रीन स्क्रीन में। अब देखिए, जहाँ पर भी ये सारे ग्रीन स्क्रीन है आप कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो अपने आप ये कलर ग्रीन सिलेक्ट होके वो वहां से रिमूव हो जाएगी। तो देखिए, मैंने क्लिक किया और सारी ग्रीन स्क्रीन थी वो रिमूव हो चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो अच्छी तरह से ग्रीन कलर रिमूव नहीं हुआ है उसके लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले फोरग्राउंड का ऑप्शन है। देखिए, हमें इसको ध्यान से करना होता है ताकि हमारी बॉडी का कलर चेंज ना हो। देखिए, अगर इसको मैं ज्यादा कर दूंगा तो जो बॉडी का कलर है वो भी रिमूव हो जाता है, तो हमें इसको ध्यान से एडजस्ट करना होता है। इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है बैकग्राउंड वाला ऑप्शन, इसको भी हमें ध्यान से उतना ही यूज करना है जितनी हमें जरूरत है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्ट हो चुके हैं दोनों।
और अब हम इसको कर देंगे अप्लाई। अब फ्रेंड्स देखिए, हमें इसको साइज जो है इसका वो कम करना होगा, लेकिन उससे पहले हम दूसरी वीडियो फाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जो हमने दूसरा एक्शन रिकॉर्ड किया हुआ है, यहाँ पर हमें ये वाला जो एक्शन है ये सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से वीडियो को कट करूँगा, इसके बाद देखना है हमें कितनी वीडियो लेनी है, फिर इसको पॉज करके मैं इसको एंड कर दूंगा। अब देखिए हमारी ये वाली वीडियो एक्शन जो है ये भी कट हो चुका है। अब हम इसको करेंगे ओवरले ऑन सिक्वेंस। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये पहले जो फाइल का साइज है वो यहाँ तक है, दूसरे का साइज बड़ा है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर दूंगा। अब देखिए ये दोनों बराबर हो चुके हैं। फ्रेंड्स अब हमें इस वीडियो की ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है, तो यहाँ पर पहले हम वीडियो फाइल पर करेंगे राइट क्लिक, इसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट्स में, फिर एड इफेक्ट एंड ग्रीन स्क्रीन, और यहाँ पर कहीं भी आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको जैसे पहले बताया ये एडजस्टमेंट कर देनी है ताकि बॉडी का कलर चेंज ना हो उस हिसाब से, और इसके बाद आपको इसको अप्लाई कर देना है। अब फ्रेंड्स देखिए दोनों वीडियो फाइल आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, पहली वाली जो वीडियो फाइल है उसका जो साइज है उसको हमें कम करना है। तो हम जाएंगे इफेक्ट्स में, एड इफेक्ट्स में, इसके बाद हम जाएंगे स्केल में, तो इसका जो साइज है उसको मैं कर देता हूँ 35 तक मैंने साइज कर दिया है इसका। तो देखिए अब हमें इसकी पोजीशन सेट करनी होगी ताकि वीडियो देखने में अच्छा लगे। तो हम जाएंगे एड इफेक्ट, फिर पोजीशन, तो यहाँ पर हम देखिए इसको ऐसे सेट कर देते हैं। देखिए हम इसको कर देंगे अप्लाई, तो हमारी जो वीडियो है ये बिल्कुल हो चुकी है तैयार। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम प्ले करेंगे तो पूरा स्पेशल इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी आसानी से हम किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से ग्रीन स्क्रीन को चेंज करके हमारी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं अपने रूम में ये ग्रीन स्क्रीन जो है ये फिक्स है, इसको यूज करता हूँ। अगर आप आउटडोर शूटिंग वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको इस तरह का इसको बनाना पड़ता है कि आप कहीं भी इसको अपने साथ कैरी कर पाए, और वहां पर आप मान लीजिए किसी भी स्ट्रीट वगैरह में या फिर कहीं भी आप इसका यूज करके वहां भी स्पेशल इफेक्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। हॉलीवुड मूवीज में काफी सारे एक्शन सीन वगैरह ग्रीन स्क्रीन को ही यूज करके किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपकी जानकारी के लिए कि किस तरह से ग्रीन स्क्रीन का यूज किया जाता है, किस तरह से हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हम जल्दी मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ।